नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि किस तरह से सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला में एक मुखी रुद्राक्ष पेंडेंट के रूप में तैयार होता है और धारण करने की जो विधि है, बाकी सब चीजें आप जानते ही हैं, वो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। ये देखिए, ये सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला है और ये जो इसमें रुद्राक्ष हैं, ये पांच मुखी हैं जो बृहस्पति देव के रुद्राक्ष होते हैं और इसी में ये पेंडेंट के रूप में लगा हुआ रुद्राक्ष है एक मुखी। ये एक मुखी रुद्राक्ष है, देखिए आप, ये नेचुरल नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष है और ये सभी रुद्राक्ष जो 54 रुद्राक्ष इसमें लगे हैं वो भी एक मुखी रुद्राक्ष है। इसमें जो सिल्वर यूज हुई है वो 92% प्योर सिल्वर है और रुद्राक्ष और जो एक मुखी है यह भी 100% आपको लैब रिपोर्ट के साथ ही दिए जाते हैं। आपको साथ में इसकी लैब रिपोर्ट मिलेगी, माला की लैब रिपोर्ट मिलेगी और एक मुखी रुद्राक्ष की लैब रिपोर्ट मिलेगी जिसमें सभी चीजें मेंशन होगी और इस तरीके से पेंडेंट के रूप में इसे तैयार किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये एक मुखी रुद्राक्ष है, सूर्य देव का रुद्राक्ष है। अगर सूर्य देव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सूर्य देव कमजोर हो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ट्राई कर रहे हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप जुड़े हो किसी भी तरीके से, तो उससे अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से लाभ लेना चाहते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी महकमे जितने भी हैं वो सब सूर्य देव के अंडर में ही आते हैं। ये इस तरह से ये माला तैयार होती है, इसे आप धारण कर सकते हैं गले के अंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल यह माला लगती है। एक सोबर लुक जो जिसे कह सकते हैं हम वो, और इसके जो आध्यात्मिक परिणाम है, आध्यात्मिक रिजल्ट है, वो तो हमें खैर प्राप्त होते ही है। ये इस तरह की माला होती है, इस तरह से पेंडेंट के रूप में इसे धारण किया जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हर चीज आपको जो मिलेगी गारंटी के साथ मिलेगी, लैब रिपोर्ट के साथ मिलेगी। कोई भी मन में शंका हो आपके, आप कहीं भी क्रॉस टैली कराएंगे, क्रॉस चेक कराएंगे, तो आपको चीज नेचुरल ही मिलेगी, ये फुल गारंटी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।